Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to our channel. So guys, बात सिर्फ इतनी है कि आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया ऑफिस के लिए. एक्चुअल मैं लेट हो गई थी. मैं लेट पहुंची भी. आज थोड़ी डांट भी सुन ली मैंने क्योंकि लेट पहुंची थी. और उसके बाद दिन में बहुत सारे लफड़े करने के बाद मुझे दिन में एक्चुअल में टाइम मिला घर आने का. एक्चुअल में लफड़े करने पड़े क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था. ऑस्कर अकेला है तो खाना पीना सुसू पॉटी ज़रूरी होती है गाइस. करना पड़ता है थोड़ा एडजस्ट. जब मम्मी डैडी बनोगे तो पता चल जाएगा कि एडजस्ट कैसे करना पड़ता है. आप पूरे टाइम अकेले नहीं छोड़ सकते किसी को भी. एनीवेज आपका क्वेश्चन तो हो गई कि हाउ इज़ ऑस्कर एंड वो कैसे मैनेज कर रहा है एंड ऑल. तो ही इज़ टोटली फाइन. बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा है. उसे चीज़ें बहुत अच्छे से पता है. उसे दोनों में से एक मिल जाए वो बहुत खुश रहता है. और जैसा कि बहुत मेन सा क्वेश्चन है ऑस्कर का क्या होगा नानू का क्या होगा. नानू का कुछ नहीं होगा. नानू ऐसे ही चल रही है. नानू का कुछ नहीं है. नानू इधर उधर होती रहती है. सो इट्स लाइक चलती का नाम जिंदगी जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था. तो यस चलती का नाम एक्चुअली जिंदगी. तो बेसिक सी बात मेरे को व्लॉग बनाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. ना ही मुझे मन कर रहा है. बट आई डोंट नो क्यों बना रहे हो. इट्स लाइक थोड़ी बहुत खुद से ही बातें करने का मन कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो जो बातें कर रहे हैं वो सामने हो जाए. इट्स लाइक कि कोई सुन लेगा. बट जहाँ तक मैंने अभी लास्ट 3-4 दिन के व्लॉग देखे ना, मतलब ये मेरा एक 4th व्लॉग है. तो एज पर द व्लॉग भाई साहब कल मैंने मेहनत की थी व्लॉग बनाने में. ठीक है मैं अपने ऑफिस की चीज़ें दिखा रहा हूँ बट जीरो इंटरेस्ट. मैं मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी ऑफिशियल चीज़ें देखने में. मतलब मैं एक्चुअली क्या करते हैं वो चीज़ें देखने में. लोग अपने ही लगे पड़े हैं. ईवी का क्या, नानू का क्या, ये क्या, वो क्या. मतलब लाइक अगर मैं अपनी चीज़ें दिखा रहा तो कभी मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर लो यार. मतलब तुम लोग मेरे को बस ठीक है स्ट्रांग रहो ये रहो फाइन आई एम नॉर्मल. और तुम लोग ये ऐसी चीज़ें बोलते रहोगे हर बार ये है वो है तो भाई सामने वाले को तो ऐसे भी एबनॉर्मल ही होना पड़ जाएगा है. और जहाँ तक रही बात यार लोग मुझे लिख रहे हैं कि गए लोग मुझे लिख रहे हैं कि कमेंट इग्नोर करो. बिल्कुल जाके पहले दूसरे व्लॉग में कमेंट रीड करो और उसके बाद बोलो कि कमेंट इग्नोर की जाए. मैं सब इतनी बकवास कहाँ से लेके आते हैं. ऐसा भर के कहीं भी मतलब सोशल मीडिया में ऐसा फेंक दो. एक ना मैंने ना साथ में बैठ के एक रील देखी थी जिसमें किसी का इंटरव्यू हो रहा था. किसी सेलेब का इंटरव्यू था तो उन्होंने बहुत ही सही लाइन बोली थी कि मुझे नेगेटिव कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे नहीं जानना कि बंटी पंजाब के किसी कोने में बैठ के मेरे बारे में क्या सोचता है. और उसे अगर लगता है कि मैं ये ऐसी हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. वो बंटी है, वो एक कॉर्नर में बैठा है और मैं आज यहाँ हूँ. देयर इज़ अ डिफरेंस. सोच बदलो दुनिया बदलेगी वाला सीन है. ऐसे मुझे कोई यहाँ पे ज्ञान देने का कोई शौक नहीं चढ़ा है. कोई मन भी नहीं कर रहा मुझे. इट्स जस्ट लाइक मन किया तो मैंने ऑन कर लिया. आई डोंट नो मैं इसे अपलोड भी करने वाली हूँ कि नहीं बिकॉज मैं पूरे दिन में मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला. आज मैं एक्चुअली सुबह सो के लेट उठी थी बिकॉज मैं कल रात को सो ही नहीं हूँ. अराउंड ये जो भी मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता है उन्होंने मेरे को देखा होगा 2 बजे की मैंने स्टोरी डाली थी. अराउंड मैं 2:30 बजे घर आई हूँ. उसके बाद से फ़ोन पे थी इधर उधर 5-6 बजे सोई हूँ. 8 बजे कॉल आ गया. कॉल से उठी फिर ये सबसे बड़ी चीज़ हुई मेरे साथ कि कॉल से तो उठ गई फिर मैं वापस सो गई क्योंकि सामने से कॉल में बोले काम करो सो जा ऑफिस तो लेट है. एंड आई वाज लाइक हाँ ऑफिस तो लेट है मैं सो गई. और जब सोई भाई साहब मैं लेट हो गई. मैं लिटरली 9:10 में उठी हूँ. एंड सारे मैंने से उठते के साथ से ऑस्कर के काम किए हैं. ऑस्कर का खाना हुआ है. ऑस्कर को बाहर ले गई फटाक से एंड रेडी होकर जो मैं भागी हूँ मुझे पता है. और आज लिटरली मैं आज ये क्या बात करूँ. लास्ट 1 महीने से मैं हर दूसरे दिन लेट हूँ. हर दूसरे दिन लास्ट मंथ में मेरी टोटल 6 छुट्टियाँ ली है मैंने. एंड वो आई डोंट नो वाई बट मैं प्रोविजन पीरियड में हूँ. अभी मेरी जॉब चेंज हुई है वो सबको पता है. यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती बट वो किस बेसिस पे ली गई थी वो कैसे ली गई आई डोंट नो. बट
लेनी पड़ी, और वो अभी जो मेरे को नेक्स्ट मंथ में भारी पड़ने वाली है ना, मुझे पता है बहुत गंदे वाली। इट्स लाइक मैंने पूरे 4 महीने की छुट्टी एक साथ ले ली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने कभी ली नहीं, ज़रूरत पड़ी नहीं ऐसे, तो ले ली। और हाँ, आज ना आज का एक सीन बता दे छोटा सा सीन, मैं लाइक वो मेरी मुझे लगा जैसा, दैट वॉज लाइक एक्चुअली आज मैं ऑफिस के काम से क्रोमा, विजय सेल्स एंड रिलायंस डिजिटल गए थे। तो मुझे 2 लैपटॉप खरीदने थे इसलिए, तो वहाँ पे ना रिलायंस डिजिटल में मुझे 2 लोग दिखे, और दैट वॉज 100% श्योर कि वो मुझे ही देख रहे थे, दैट वॉज 100% श्योर कि वो मेरी बातें कर रहे थे, एंड दैट वॉज 100% श्योर कि वो मेरे को ही देख के शर्मा रहे थे। तो गाइज मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, इफ़ यू थिंक यू नो मी, और नॉट जस्ट मी, अगर आप किसी को भी ऐसे देखते हो और आपको लगता है कि हाँ यार आप इनको जानते हो, मिलना चाहते हो, तो जस्ट गो एंड मीट। एज पर मी अगर मेरे से पूछोगे ना, मुझे जो लोग एक्चुअली पसंद है, चाहे वो टीवी सेलेब हो, चाहे वो मूवी सेलेब्स हो, कल के आपने देखे होगे मैंने व्लॉग में लिया कुछ लोगों को, बट मेरे साथ उनकी फोटोज़ नहीं है बिकॉज मुझे नहीं चाहिए थी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि जिनके साथ आप चाहते हो कि आप इन्वॉल्व हो, जिनसे आप चाहते हो कि एक्चुअली मिलो, और वो उनकी शक्ल पर लग रहा था कि दे वॉन्ट टू मीट, दे वॉन्ट टू आस्क, दे वॉन्ट टू से समथिंग, बट आई डोंट नो, हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हूँ, नो डाउट, बट आई कैन अज्यूम दैट वेरी वेल। फेस रीडिंग थोड़ी बहुत आती है मुझे, और वो मैंने की है वहाँ पर। तो यस, एज फॉर मी इफ यू विल आस्क मी, मैं मुझे जो लोग पसंद होते हैं ना, आई जस्ट गो टू देम, मेरे सामने होंगे, मैं जाऊंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ना बोलेंगे तो ना बोलेंगे, ठीक है, यू हैव एटीट्यूड, गो, उसके बाद से वो लाइन से हट जाएंगे, बट आई विल ट्राई, क्योंकि वो लोग मुझे पसंद है। बहुत रेयर लोग हैं जो मुझे पसंद है बाय द वे, बट आई विल गो डायरेक्टली टू देम एंड देन आई जस्ट से हाई एंड आई टेक अ सेल्फी समथिंग। वो सेल्फी बहुत कम लेती हूँ मैं लोगों के साथ, बट यस आई विल टेक फॉर श्योर। तो बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों को लाइफ में मिस नहीं करना चाहिए, तो आई एम लाइक दैट ओनली। सो आपको भी एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। और जो आई गेस आप अगर ये व्लॉग देख रहे हो, जो आज मुझे देखे हो, जो आप आमने सामने थे, हम एक ही बात बोलूँगी, मैं नियर बाय हूँ, वहाँ पर बताना ज़रूर। सो गाइज कभी ना कभी मिलेंगे ज़रूर वापस से, हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस में मेरा ऑफिस है वहाँ पे। सो आई डोंट नो आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अभी तक मैंने अगेन सेम लाइन मत पूछना, मैंने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, नो रीज़न, पैकिंग सेम नहीं हुई है, सामान अभी तक नहीं निकला है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं आगे क्या करने वाली मुझे नहीं पता, ऑस्कर इज बेटर नाउ, और कोई क्वेश्चन नहीं। डुगू सेफली वहाँ पहुँच चुकी है, बस इतने क्वेश्चंस थे मेरे पास, उन क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर दे दिया मैंने, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा की ज़रूरत है आपको। सो गाइज इससे ज़्यादा बकवास मेरे से आज होगी नहीं, तो इस व्लॉग को करते हुए मैं यहीं पे एंड, आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। ओके बाय, गुड नाइट टूडल्स।